इस करके अपन सारे जाने जेडे साधु संतां दी संगत करते हैं, महात्मा जी लैण आउंदे ने, उहनां नूं हुकम हो जांदे ने। बड़िया जे विचार के देखिए रस्ते कढ़े हुए गुरां ने तारन वास्ते, किन्ने सोहणे रस्ते। पहला चरासी पाठ जिहड़ा करदा गौड़ी साहब जाके उहनूं तारदे ने, किसे नूं कहिंदा मैं जाणा पाठ करन, कोई विधि तरीका। मैं कहा वो उत्थे जाके देखी आपे महाराज दसणगे हुण तैनूं। मैं कहा भी मैं तो देख डरदा नहीं गया शुरू तो लैके, मैं पता मैं इतना होने नहीं भी अपनी इन्नी हिम्मत नहीं है। मैं कहा मैं तो एक सौखा जहा राह देखा भी संत साहब जो लंघ जाने, बस दो तीन बार लंघे आया सतगुरु कह रहे संत जो लंघूगा वो कल्याण हो जाऊगी। मैं कहा मैं तो यही सोचे। वो हम थोड़े दिन पहला मिलिया, मैं किवें रही, कहता मैं उत्थे जाके लगे असी इनाम करके दस्तर पा के ला के उतार के जान लगे, तो उत्थे कहना मैं अरदास की। कहता एक उत्थे बजुर्ग खड़ा चिट्टे दस्तर पाए हुए थे, कहते कहते बाबा जी तुसी भी आए हो, निवासी पाठ करने आना आया तो हैगा। कहते बाबा इस तरह नवे न्याणे हैं सानू पता नहीं, तुसी सानू कोई तरीका ही दस दो किवें करन। वो कहने देख पहला तो करो अरदास, फिर तुसी आ जिहड़े जाके टुब्बा लाउणा थले सने के सी, फिर ऐ उंगल डुबो के दो तुक्के मूंह च पाउणी, ये मैनू नहीं सी पता। फिर तुसी उत्थे दे ओह जपजी साहिब दे पाठ है लिखी उहनां दे उत्ते लैमीनेशन होया होया ओह पाठ करो। कहने शुरू च तां डर लगे, जब सारी मर्यादा उहनूं बंदे नूं पुछ ली गई, कहता भी मर्यादा कहना वो बाहर भी तो लिखी हो ही है। कहना मैं उन्हें बौड़ी साहब छड़ के आया ता के मर्यादा कि लिखी देखी नहीं, मैं बाप लिया वो बजुर्गी ने उत्थे कहना आखो सतनाम। महाराज जी ने राह दसता भी ऐ इनान कर। कहना नौ घंटे बिच मैं 84 पाठ करके पाऊ। कहते इन्नी खुशी हुई मन में भी एक कमाल की गल है भी महाराज ने करा लिया। मैं नाल दे साथियों ने ज्यादा टाइम लग्या, कहना मैं लग्या सी अरदास करके। तो इस करके साथ संगत महाराज सच्चे पातशाह ने बड़े राह कढ़े साडे वास्ते। फिर नहीं होया फिर संत साहब है, नहीं होया फिर श्री मुक्तसर साहब है, अब माघी ते मुक्तसर साहब जाके ना आया। और होर राह कढ़े हुए ने बहुत सारे दसवें पातशाह। महाराज कह रहे जे कोई सिख पहला गुरमुखी लिखी सीखे फिर किसी सिख नूं पढ़ावे उहनूं अखीर ते साडा इक शहीद सिंह लैण आऊगा। इह राह कढ़ता पंजाबी नूं सिखा दिया करो, गुरमुखी लिखी सिखा दिया करो। कहिंदे जे कोई किसी नूं लगा मात्रा समेत संथ्या करा के संथ्या ही करा दे गुरु ग्रंथ साहिब दी, कहिंदे फिर उहनूं साडे दो सिंह लैण आउण। जे कोई अर्थ सिखा दे किसी नूं आप पढ़े अर्थ फिर दूजे नूं सिखावे फिर उहनूं साढ़े पंज सिंह लै आउण। जे कोई कथा करे विचार करे टुट्टिया होए नूं जोड़ देवे फिर कहिंदे असीं आप लैण आउणा। आखो सतनाम। क्यों है कि नहीं सौखे रहा, तुसीं किसी नूं गुरमुखी पढ़ा दो ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਥਿਆ ਤਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਖੇਚਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮੰਨ ਘੋਲ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਸੁਸਤੀ ਦਲਿੱਦਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਰਾਹ ਦੇ ਥੋੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਜੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਜੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨੱਚਣ ਫਿਰ ਟੱਪਣ ਜਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੱਚਣ ਲੋਕ ਕੁਛ ਸੜਕ ਤੇ ਪੱਟੀ ਜਾਣ ਸੜਕ ਨੂੰ ਨੱਚ ਨੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸੜਕ ਪੱਟ ਰਹੇ ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਬੁੜੇ ਵੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰੇਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਗੋਡੇ ਜੇ ਦੁਖਦੇ
खंघ जी आती है फिर जमी बीमार हो जाता है। क्यों? इतने मन दिया चंचलताइया रोकना है, उत्थे चंचल होना है। फर्क है, जिथे चंचल होना है। न्याणे नूं कहिंदे पढ़ाई कर लै, न्याणे नींद ही आउण लग जांदी है, ढिड दुखदा है, कहिंदे लत दुखदी है, मैनूं बुखार हो गया, मैनूं सिर दर्द हो गया, मैं परख्या होया। मैं भी देखे अपने न्याणे, अजय देखो, अजय चल फिर टीवी देख लै, ऐ कल्ली गल हो गई। जे कदों गेम खेल लग तो कहने कितना समान ढाकिया, यह चंगा भला। यही हाल अपना जब आप कहना पाठ कर लो, कहते दीवान सुन लो। जब मैं आया सी दस मिनट पहले ही मैं देखा, मैं कले बाबा ही लगे हुए बैठा तो कोई नहीं है, बस फिर धूजी करके आए भी चलो हम चलते हैं। मैं इटी दूरों आ गया पटियाले, आप तुम आए जी शौक उन्होंने होंगे भी पहले ही आके बैठे हो असी कुछ लेना है, कथा के विचार सुनने ने। जिम्मे अजकल समा ऐसा आ गया है, हरेक खुशकी आ गई है, प्यार घट गया, अपना भी प्यार ही घट गया महाराज जी का। वो सिख होंगे सी दसवें पातशाह श्री आनंदपुर साहब सजे हुए ने, एक सिख ने आके बैठे महाराज कहते मेरे बाज में कोई अपना भाई मास दे, उन्हें भुख लगी। ऐसे सिख होंगे सीगे इतो छुरा कढ़ के अपने पट का मास इना सारा कढ़ के जल बाज के मूहरे रख। जिन्हें यह कहा कि तन मन धन सब सौंप गुरु का हुक्म मनिया पाए। गुरु का शरीर है, कल भी लेखे लाने ही है बाज। सतगुरु कह रहे निहाल निहाल निहाल। इन्हें भी एक सिख ने आके 2000 रुपया भेटा किया दसवंध का, बहुत होंगे सतगुरु ने उन्होंने भी बार दिते अपने बहुत ज्यादा देते। वो सिख कहना महाराज मैं अपने पट का मास कट के दिता बाज में, इन्हें दिता आके 2000 रुपया, तुम इन किन्ने बार देते? एक ही गुणा तरन ब्रह्म ज्ञान होने तक। सतगुरु कहते जिगर का मास दिता, माया नहीं दिखती, ये जिगर का मास है। उसे एक साखी दे होर, पर यह त्याग भावना की गल है। चलो एक पट का मास, सतगुरु कहते एक शीश की लोड़ है, भाई दया सिंह शीश अर्पण कर। पंजा सिखा ने अपने शीश अर्पण करते, सिंधा ने शहीदियां पा दियां। तुम्हारा सच्चे पातशाह कहते पहला सिखा ने इतना प्यार होंदा सी, एक विश्वास भी होंदा गुरु साहब ते कि महाराज जी मैं दे देंगे, सब कुछ दे देंगे। जिम्मे सिख ते सिखनी उदो सांसा उत्ते पुल नहीं सी बनिया होया, श्री आनंदपुर साहब राह जाते हैं, हुण तां पुल बड़ा बड़ा बन गया। दोनों बच्चे बिठाए सिख ने उस वक्त, कहना मेरे बाजा वाले ने दो किन्ने सोहने लाल दिते। वह मानती सी लाल वाले पीर, कहने नहीं ये मैं लाल वाले तो मांग के ले। वो कहने महाराज ने दिते, कह लाल वाले लड़ाई हो गई। सिख चाके सिख ने दोनों पानी च मारे भगा के न्याणे, दो ढाई ढाई साल के न्याणे चाके पानी च मारे। सिखनी रोवे कुरलावे छाल मार ना सके, रोधी बौड़ दी उत्थे पहुंच गई। अगे सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह उत्ते चादरा लिया होया ऐ बैठे ने तख्त साहब ते, संगतां सजियां होईयां, सिख अगे अगे हथ जोड़दा आ रहा मुस्कुरांदा, सिखनी रोंदी आ रही मत्था टेक के आ गए। कह बीबा तू रोंदी है भाई? कहती महाराज मैं लाला वाले तो दो बच्चे ले सी, इन्हें दोनों बच्चे जेड़े सी सिड़ते दरिया च। यह कहता कि जे कलगी धर महाराज देणगे तां लाऊंगा, मैं लाला वाले तो नहीं लैणे। सतगुरु ने ऐ चादरा ला के एक इधर बैठा, एक न्याणा इधर बैठा, कहते आ ही है भाई आखो सतनाम। कहते हां महाराज यही ने दोनों साडे न्याणे, तां
कहने मैं भी सिखा हूं असी दिते तेन लगा कहने मैं सिलक परख्या सिखता हूं जब इन्हें सीटे असि जले ही जाके उसे छाल मारी आप कढ के लेके आए हैं लेकिन साढ़े कपड़े सारे भिजे पे पानी के नाल विश्वास की गल है सात संगत बाबा गुरमुख सिंह की भी गल करिए उसे किसी नूं फांसी की सजा झूठी हुई सी अंग्रेजा वेले की गल 1919 की गल है वैसे ही पाक 20 जने नूं फांसी 1919 जिहड़े जलियांवाले बाग दे विच कांड होया उहदे केस च बगावत दा केस पा ऐवें ही फांसी एक प्रेमी सीगा उहनां दा बच्चा सी उह जा के महाराज बाबा जी नूं कहिंदे बाबा जी इहनूं फांसी दी सजा करती असीं तां कल्ला कल्ला बच्चा इहनूं सेवा कीती आप कृपा करो बाबा जी ने 2 मिनट नेत्र बंद किए ध्यान मारिया कहने इन्हें फांसी नहीं होंगी जाओ सारिया अदालत चो केस फेल हुंदा उत्ते तक चला गया इन्हें फांसी हो सैशन चो भी होगी फांसी और फांसी दे तख्ते तक भी जाने पहुंच गए रस्से रेडी हो गए मिनट रह गए 2-3 जज कोल खड़ा घड़ी देख रहा है ਪਾਤੇ ਗੜ ਚ ਇਹਨੇ ਤਾਰ ਬਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਹੜਾ ਤਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਕੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਜੱਜ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਰੁਕੋ ਕੀ ਤਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੜ ਲਓ ਜੱਜ ਨੇ ਪੜਿਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਾਜ ਪੰਚਮ ਦੀ ਤਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇਹ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਜੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 3 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬਚਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਾਏਕੋਟ ਫਲਾਨੇ ਥਾਂ ਬੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਕੀਤੇ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਪਟਿਆਲੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਫਲਾਨਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ ਤਾਹੀਓ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਕੀਤੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ 10 ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ 10 ਪੜ੍ਹੇ ਆਇਆ ਫਿਰ 5-6 ਸਾਲ ਆਏ ਨੇ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਇੰਡ ਆਇਆ ਤੇਜ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ MD ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਜਨ ਬਣੇ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾ 5ਵੀਂ ਕਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਟੂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ 5.5-6 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਤੇ 6-18 ਸਾਲ ਫਿਰ MD ਕੀਤੀ 2 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ 25 ਸਾਲ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ 30-31 ਸਾਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹੱਥ ਟਿਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਸੋਹਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਗੀ 20-20 ਸਾਲ 25-25 ਸਾਲ 30-30 ਸਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ